नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्ज्वल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हम लोग एनालिसिस ऑफ थ्री डायमेंशनल मेटल कटिंग ऑपरेशन। बात की थी हमने टर्निंग को कंसिडर करके एनालिसिस की थी और देखी थी डिफरेंट वैल्यूज और बात की थी कन्वर्शन फॉर्मूलाज की। ठीक है, आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, और क्वेश्चन ये थी हमारी टूल सिग्नेचर दी हुई थी ORS, जिसमें दो वैल्यू मैंने लिख रखी है, बाकी और भी वैल्यूज दिए हुए थे। ये बस ये बताने के लिए था कि सेवन टर्म्स जो आपको है टूल सिग्नेचर की वो याद होनी चाहिए कि कौन सी किस एंगल को डिनोट कर रही है। ठीक है, इसके बाद दो वैल्यूज दी हुई थी फोर्स की और कैलकुलेट करने कहा गया था FT एंड FC को। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर की अगर थोड़ी सी डिस्कशन के बेसिस पे बात करें तो वो याद है हम लोगों ने बात की थी FT विल बी इक्वल टू FX बाई साइन लिम्डा विल बी इक्वल टू FY बाई कॉस लिम्डा विल बी इक्वल टू FXY will be equal to root under fx square plus fy square। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और fc will be equal to fz। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे हमारे प्रीवियस डिस्कशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज के अपने नए टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी ऑर्थोगोनल कटिंग की। ठीक है, ऑर्थोगोनल टर्निंग की। बेसिकली ऑर्थोगोनल टर्निंग एक स्पेशल केस है टर्निंग का। ठीक है, जहां अल्फा की जो वैल्यू है, सॉरी लेमडा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। आपको पता है CS इज इक्वल टू 90 माइनस लेमडा। ठीक है, मतलब CS की वैल्यू हमारी जीरो होगी। ठीक है, कुछ और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है इनके, ये डायरेक्टली पूछे भी जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे बिकॉज इट इज अ स्पेशल केस। ठीक है, टी की वैल्यू हमने डिफाइन की थी एज एफ साइन लेमडा। ठीक है, और साइन लेमडा वन टी विल बी इक्वल टू एफ। ठीक है, दूसरी रिलेशन हमने डिफाइन की थी बी इज इक्वल टू डी बाई साइन लेमडा, साइन लेमडा अगेन वन, देन बी इज इक्वल टू डी हेयर। एफ सी और एफ जेड की वैल्यू तो ऑलरेडी सेम पे होती है, और नेक्स्ट थी हमारी थर्ड फोर्स की वैल्यू एफ टी इज इक्वल टू एफ एक्स बाई साइन लेमडा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एफ टी विल बी इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है जिसकी टू डायमेंशनल टर्निंग में वैल्यूज को मैंने बताने की कोशिश की है, और ये फिगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि आपकी जो टू डायमेंशनल टर्निंग है उसकी ज्योमेट्री किस तरीके से होगी। ये बात कर चुके हैं हम लोग, CS की वैल्यू जीरो होगी और लेमडा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो ये एक पॉइंट थी छोटी सी डिस्कशन करने को, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी आज की है मेटल रिमूवल रेट। ठीक है, मेटल रिमूवल रेट, अगर आप मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपकी जो वर्क पीस से मेटेरियल रिमूव हो रही है उसकी रिमूवल किस रेट पे हो रही है ये डिफाइन करती है मेटल रिमूवल रेट। अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो मेटल रिमूवल रेट को डिफाइन किया जाता है एज MRR, मेटल रिमूवल रेट विच इज डिफाइंड एज AC इंटू V। AC इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ योर अनकट चिप। ठीक है, डायमेंशन मिलीमीटर स्क्वायर में, और V इज द कटिंग वेलोसिटी बाई DN बाई मिलीमीटर पर मिनट। इसे मिलीमीटर पर मिनट में मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा जाता है, इसीलिए अगर कोई और वैल्यूज है तो उस बात पे आप यूनिट की जरूर ध्यान देंगे कि यूनिट क्या है। ठीक है, और इसे आप लिख सकते हैं AC विल बी इक्वल टू, याद है हमने बात की थी शियर प्लेन के थिकनेस की। ठीक है, और अनकट चिप थिकनेस की, अनकट चिप थिकनेस यहाँ T है, और विड्थ हमारी अनकट चिप की विड्थ है हमारी बी, शियर प्लेन की हमारी विड्थ है बी। ठीक है, और वी इज द कटिंग वेलोसिटी। तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, और अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग के केस में आप इस चीज की बात करना चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एफ डी इंटू वी विल बी द MRR। ठीक है,
तो उम्मीद है चीजें क्लियर हैं। एक छोटी सी पॉइंट और है पावर कंजम्पशन की। अगर बात करें पावर कंजम्पशन की, तो नेट पावर बीइंग कंज्यूम्ड इन योर मशीनिंग ऑपरेशन, इसकी डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। और अगर इस पावर कंजम्पशन की थोड़ी डिस्कशन करें, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि मेजर पावर कंजम्पशन जो हमारी हो रही है वो हो रही है इन द कटिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब कटिंग ऑपरेशन में दो चीजें हैं, एक तो आपकी फ्रिक्शन को ओवरकम किया जा रहा है बिटवीन द चिप एंड द टूल सर्फेसेस, और दूसरी चीज है हमारी शेयरिंग ऑपरेशन हो रही है। मतलब आपकी जो पूरी की पूरी पावर कंजप्शन इन द कंप्लीट मेटल कटिंग ऑपरेशन है, दैट विल बी इक्वल टू द शेयरिंग पावर प्लस द फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, तो पावर कंज्यूम इन द मेटल कटिंग ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड बाय द कटिंग पावर विच इज द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर विच इज एफ सी इंटू वी। एफ सी वी की इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 60 एंड मीटर पर सेकेंड। इस चीज की ध्यान आप फिर से देंगे कि यूनिट्स किसकी क्या दी हुई है, मिलीमीटर है, मीटर है या देर इज समथिंग एल्स। ठीक है, और टोटल पावर की अगर बात करें तो आप टोटल पावर को इक्वेट कर सकते हैं शेयरिंग पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर से। अगर बात करें शेयरिंग की, तो इस बात के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि शेयरिंग पावर जो होगी वो आपकी 65-70% होगी और फ्रिक्शनल पावर जो होगी अप्रोक्सीमेटली 30-35% आपकी फ्रिक्शनल पावर होगी। ये दोनों जो है वो हीट के टर्म में रिलीज हो रही है, ये दोनों जो है वो हीट के टर्म में रिलीज हो रही है, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। लास्टली जो हीटिंग हो रही है उसके टर्म में ये रिलीज होती है। ठीक है, और फाइनल रिलेशन जो हमारी आएगी वो ये आएगी कि टोटल पावर एफ सी इंटू वी विल बी इक्वल टू एफ एस इंटू वी एस। एफ एस इज द शेयरिंग फोर्स एंड वी एस इज द शेयर वेलोसिटी। ठीक है, एंड एफ प्लस इंटू वी सी। VC is the chip velocity and F is the frictional force. इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे। और फिर metal cutting operation में one of the most important mathematical relation है हमारी ये। ठीक है, तो अगर ये बातें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ी सी पार्ट ऊपर के रब करने की कोशिश करूंगा। एक दो पॉइंट और डिस्कस करने को है। पॉइंट है परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शन नल और शेयर पावर टू पावर कंज्यूम्ड। कभी कभी ये पॉइंट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं कि आप परसेंटेज बताइए कि परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शनल पावर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल पावर एंड परसेंटेज शेयर पावर टू टोटल पावर क्या है। बहुत ही छोटी चीज है, अगर बात करें परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर की डिस्कस करने की जरूरत बस मैंने कर दी, अगर नहीं भी करता तो भी चलती, चीजें बहुत सिंपल हैं। बट स्टिल फ्रिक्शनल पावर विल बी इक्वल टू एफ इंटू वी सी। एफ इंटू वी सी द फ्रिक्शनल पावर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल पावर एफ सी इंटू वी। ठीक है, और इंटू 100 विल बी द परसेंटेज। और इसी तरीके से आप अगर बात करें शेयर पावर की, शेयर पावर परसेंटेज शेयर पावर इट विल बी इक्वल टू एफ एस इंटू वी एस डिवाइड बाई एफ सी इंटू वी इंटू 100। तो ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है, जिस वजह से मैंने डिस्कशन कर दी। तो उम्मीद है चीजें यहां तक क्लियर है। अगर कोई परेशानी है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। बात कर सकते हैं हम लोग टेलीग्राम के ग्रुप पे, जिसकी एक लिंक दी हुई है नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसकी लिंक दी हुई है, ईमेल आईडी भी शेयर कर रखी है मैंने, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके
क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। मेटल कटिंग की जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा बची नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे फिर तीसरे पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, थर्ड पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो उम्मीद है चीजें यहां तक आपको क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में। अगर कोई परेशानी है तो लेट मी नो। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।